Hello friends, welcome to my channel Solving Questions with Gauri Ma'am. इकोलॉजी के लेक्चर्स में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फीचर्स ऑफ आर सिलेक्टेड एंड के सिलेक्टेड स्पीशीज. तो डिफ्रेंशिएट करके हम इसे डिस्कस करेंगे. आर सिलेक्शन एंड के सिलेक्शन. एनवायरमेंट की बात करो तो आर सिलेक्टेड स्पीशीज वहाँ देखी जाती है वेयर एनवायरमेंट इज अनप्रिडिक्टेबल अनसर्टन. वेयर एज के सिलेक्टेड स्पीशीज के लिए कॉन्स्टेंट प्रिडिक्टेबल सर्टन एनवायरमेंट दिखाई देता है. मॉर्टेलिटी दैट इज नॉन डायरेक्टेड एंड डेंसिटी इंडिपेंडेंट. इन केस ऑफ आर सिलेक्शन मॉर्टेलिटी इज मोर डायरेक्टेड डेंसिटी डिपेंडेंट इन केस ऑफ के सिलेक्शन. सर्वाइवरशिप कर्व की बात करो तो आर सिलेक्टेड स्पीशीज जो होते हैं वो टाइप 3 सर्वाइवरशिप कर्व शो करते हैं और के सिलेक्टेड स्पीशीज हमें टाइप 1 और 2 सर्वाइवरशिप कर्व शो करते हैं. पॉपुलेशन साइज जो होता है आर सिलेक्टेड स्पीशीज में दैट इज वेरिएबल इन टाइम दैट इज नॉन इक्विलिब्रियम एंड यूजुअली बिलो कैरिंग कैपेसिटी ऑफ एनवायरमेंट. क्योंकि देखो ना यहाँ पर एनवायरमेंट खुद ही अनप्रेडिक्टेबल है अनसर्टन है तो ऑर्गेनिज्म कैरिंग कैपेसिटी तक पहुँच ही नहीं पाता है. जबकि के सिलेक्टेड स्पीशीज में यहाँ पर प्रिडिक्टेबल स्टेबल अच्छा वाला एनवायरमेंट है तो पॉपुलेशन साइज जो है दैट कैन रीच अप टू नियर द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ एनवायरमेंट. आर सिलेक्टेड स्पीशीज में रैपिड डेवलपमेंट दिखाई देती है के सिलेक्टेड स्पीशीज में स्लोअर डेवलपमेंट. आर सिलेक्टेड स्पीशीज में देखो अर्ली रिप्रोडक्शन सब इंसेक्ट्स लोअर एनिमल्स ऑर्गेनिज्म सब आर सिलेक्टेड स्पीशीज में आते हैं. देखो हायर ऑर्गेनिजम्स हायर एनिमल्स प्लांट्स वो सब के सिलेक्टेड स्पीशीज में आते हैं. आर यू गेटिंग? सो आर सिलेक्टेड स्पीशीज रैपिड डेवलपमेंट अर्ली रिप्रोडक्शन और यहाँ पर स्लोअर डेवलपमेंट डिलेड रिप्रोडक्शन. और डिफरेंसेस देखे तो आर सिलेक्टेड स्पीशीज स्मॉल बॉडी साइज. इंसेक्ट्स को याद करो आर सिलेक्टेड में इंसेक्ट्स आते हैं मतलब इसको याद रखो आप. और लार्जर बॉडी साइज दिखाई देता है के सिलेक्टेड स्पीशीज में जहाँ पर मैमल्स का एग्जाम्पल आप याद रख सकते हो. फिर सेमल पैरिटी आर सिलेक्टेड स्पीशीज शोज सेमल पैरिटी सिंगल रिप्रोडक्शन और यहाँ पर के सिलेक्टेड स्पीशीज में देर इज आइटेरोपैरिटी देर आर रिपीटेड रिप्रोडक्टिव इवेंट्स ड्यूरिंग द लाइफ स्पैन. तो एक रिप्रोडक्टिव इवेंट में आर सिलेक्टेड स्पीशीज बहुत सारे ऑर्गेनिज्म दे देते हैं और देर इज नो पैरेंटल केयर. इन केस ऑफ के सिलेक्टेड स्पीशीज देर इज अ लेस नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म लेस नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग एंड ग्रेट पैरेंटल केयर अच्छी पैरेंटल केयर होती है. सोशल ऑर्गेनाइजेशन लेवल की बात करो तो आर सिलेक्टेड स्पीशीज में लो लेवल होती है. सोशल ऑर्गेनाइजेशन होगी कहाँ पर क्योंकि लाइफ स्पैन ही बहुत कम होता है. के सिलेक्टेड स्पीशीज में देर इज अ हाई लेवल ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन क्योंकि ऑर्गेनिज्म लंबे समय तक जिंदा रहता है. ठीक है लॉजिकली सोचने की कोशिश करो. तो ये शॉर्ट लाइफ स्पैन वाले हैं आर सिलेक्टेड स्पीशीज में. के सिलेक्टेड स्पीशीज में लॉन्गर लाइफ स्पैन वाले ऑर्गेनिज्म आते हैं. सक्सेशनल स्टेज अर्ली स्टेज. सक्सेशन में शुरू में जो ऑर्गेनिज्म दिखाई देते हैं वो आर सिलेक्टेड स्पीशीज से होते हैं और सक्सेशनल स्टेज जो है के सिलेक्शन के लिए दैट इज लेट क्लाइमैक्स स्टेज. ठीक है तो इस तरीके से आर सिलेक्टेड स्पीशीज एंड के सिलेक्टेड स्पीशीज के बारे में हमने बात की. इसी के और भी पॉइंट्स डिस्कस किए हुए वीडियो मेरे चैनल पर है आप वो वीडियो देख सकते हो और भी कंसेप्ट क्लियर करा सकते हो. इसके बाद भी कुछ डाउट रहा तो आप मुझसे पूछ सकते हो आइदर थ्रू जीमेल या कमेंट सेक्शन. ऑल द बेस्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग.